हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, संजीव स्मार्ट थॉट एसएस थॉट। और आज मैं आपको रिले से एक छोटा सा जनरेटर बनाकर दिखाऊंगा। तो हमें इस तरह के पुराना रिले ले लेना है, 12 वोल्ट 5 एम्पियर का। इस तरह का हमें चार रिले ले लेना है, देख सकते हैं इस तरह का है, इस तरह का रिले चार पीस ले लेना। इसको इसका इस प्लेट को खोल देंगे हम इस तरह से, और इसको बाहर निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर दो वायर रहता है इस तरह का, देख सकते हैं जो सोल्डिंग रहता है। इसको इस तरह से कट कर लेंगे और इसको भी इस तरह से कट कर लेंगे, और इसका प्लेट को इस तरह से निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे। इस तरह से निकल आएगा, देखिए इस तरह से ये निकल आया। एक वायर जो इसमें सोल्डिंग था, इसका ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। और इसका जो वायर काट चुके हैं सोल्डिंग वाला, यहाँ से सिर्फ इसको प्रेस करेंगे नीचे से, तो देखिए पूरा का पूरा बाहर निकल आएगा। तो सबसे पहले इसको भी खोल लेंगे इस तरह से, देखिए ये प्लेट निकल आया। और बचा रह गया ये हमारा कॉयल, इसको निकाल लेना इस तरह से, कॉइल इस तरह का रहेगा। इस तरह के हमें चार चाहिए, तो चार रिले पुराने लेना होगा, उससे कॉइल निकाल लेना होगा इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने चार रिले, जो रिले से कॉइल निकाल लिया है इस तरह से, देख सकते हैं चार है। तो अब हमें चाहिए इस तरह का फाइबर का गोल टुकड़ा चाहिए, इस तरह का फाइबर का पीस चाहिए गोल, और इसी के साइज़ का इस तरह का लकड़ी का एक चाहिए इस तरह, देख सकते हैं ये पुराना है मेरे पास था गोल लकड़ी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें गोल कागज, सफ़ेद कागज चिपका दिया है इस लकड़ी पे, और ये तीन स्टैंड बनाया है इसमें, जिससे ये मेरा हिले ना, अच्छा से बैठ जाए। और इस तरह का चार इंच का नट बोल्ट लेंगे, देख सकते हैं, और इसको इस तरह से नीचे से लगा देंगे, नीचे से लगा देंगे, और एक वाशर देकर इसे टाइट कर देंगे इस तरह से। और इसको प्लास से अच्छा से कर देंगे, इस तरह से टाइट कर देंगे पूरी बढ़िया से, जिससे मेरा ये हिले ना। इस तरह से ये मेरा हो गया है। और इस तरह का चार मैग्नेट लेंगे, स्पीकर का मैग्नेट है, देख सकते हैं, चारों को यहाँ लगा देंगे, जिस तरह से ये चिपक जाए, जैसे आपस में इस तरह से ये चिपक जाना चाहिए। अगर उल्टा लगाएंगे तो इस तरह फेंक देगा, देखो इस तरह से सीधा रहेगा तो ये आपस में चिपक जाएगा। तो इस तरह से लगा देना है, इसमें यहाँ पर मैग्नेट चिपका देना है बीचों बीच में, इस तरह से लगाएंगे फिर भी कुछ लगा कर। लगाकर इसको इस तरह से बीचों बीच एकदम इस तरह से चिपका देंगे। चलिए तो मेरा रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो चुका है इस तरीके से है। और इस फाइबर का भी इसको लेंगे हम, इसमें वाशर को चिपका देंगे इस तरह से बीचों बीच, इसके बीचों बीच रखेंगे इस तरह से, और यहाँ फेविक्विक से इसको फेविक्विक का मदद से इस वाशर को इसमें चिपका लेंगे। और फिर इसे एक छोटा वाशर लेंगे और इसको भी फेविक्विक की मदद से चिपका लेंगे। जैसे मैंने ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये दोनों वाशरों को चिपका लिया है, मैंने चार छेद किया है, देख सकते हैं, एक दो तीन चार, यहाँ पर एलईडी लगेगा, 3 वोल्ट का एलईडी लगा देंगे। तो चलिए एलईडी लगा देते हैं,
ये वाशर है, इस तरफ से यहाँ लगा देना, इस तरह से इसमें लगा देना LED, चार LED लगा देना है। मैंने चार LED लगा दिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो वाशर की तरफ मैंने इसे लगाया है, इसका जो पॉइंट है ये वाशर की तरफ रहेगा, अंदर की तरफ, और इस तरफ से LED निकला रहेगा। तो चलिए ये हमारा हो गया है, अब इसमें हम कॉइल को लगाएंगे। तो यहाँ लगेगा, इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहीं पर मेरा कॉइल लगेगा। आप देख सकते हैं ये चारों को मार्क कर लेंगे, जो मैग्नेट का जो बीच वाला जो होल है उसके साइज का, उसी के सामने सामने मार्क कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मार्क कर लिया है मैंने, देख सकते हैं। अब इसको निकाल लेंगे और इस पर कॉइल को इस तरह से रख देंगे। ये जो मेरा वायर है वो नीचे की तरफ रहेगा, इस तरफ उल्टा करके। तो ये जो पॉइंट है, जो मेरा ये मेरा LED में सोल्डिंग होगा, इसलिए इस तरह से रखेंगे। इसको भी यहाँ इस तरह चिपका देंगे और इसको भी यहाँ चिपका देंगे और इसको भी यहाँ इस तरह से चिपका देंगे। वायर इस तरफ रहेगा, चारों का बाहर बाहर की तरफ वायर रहेगा। तो चलिए चिपका लेते हैं इसको। तो मेरा जो ये देखिए सूख गया है और ये रेडी हो चुका है। अब इसको यहाँ वायर से सोल्डिंग करेंगे LED में। तरह का वायर लेंगे पतला सा और इसको सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ दो वायर है कॉइल का, एक और दो, इसका भी एक और दो। तो इसका जो सामने सामने जो वायर है उसको कनेक्ट कर देना है, इसके साथ इसको सोल्डिंग कर देना, देख सकते हैं। तो ब्लैक वायर लेंगे और इसको इतना दूर तक काट लेंगे, इसको इस तरह से एक वायर को यहाँ सोल्डिंग कर देना है और एक वायर को, देख सकते हैं, एक वायर को इस तरह से सोल्डिंग कर देना यहाँ। इस तरह से मैंने इसे एक वायर को यहाँ और एक वायर को यहाँ सोल्डिंग कर दिया है, एक एक वायर में। तो वाइट वायर लेंगे और एक को यहाँ सोल्डिंग करेंगे, इसको इस कॉइल का यहाँ लगाएंगे, ये दूसरे वायर में। और जो ये दूसरा कॉइल से आया, जो वायर आया है मेरा, ये LED का पॉइंट में लग जाएगा यहाँ। तो यहाँ इसको सोल्डिंग कर देते हैं इस तरह से। ये मेरा सोल्डिंग हो चुका है और ये जो LED का दूसरा पॉइंट है इसको कॉइल का पॉइंट में लगा देंगे। तो ये एक जो है मेरा ये रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। इस तरह के से कनेक्शन करना है इसको, इसको पहले सीरीज में कर लेना है कॉइल को, और एक वायर को इस तरह से ला के LED में लगा देना है और एक कॉइल का LED में लगा देना है। तो ये मेरा दो कॉइल से एक LED का कनेक्शन हो चुका है, देख सकते हैं। अब यही ये LED का दो वायर को यहाँ सोल्डिंग करके ये LED में लगा देना है। तो यहाँ से इस LED में दो वायर लगाएंगे। इन दोनों वायर को, एक को यहाँ LED में लगा देना है, इस तरह से सोल्डिंग कर देना है। ये सोल्डिंग हो चुका है, देख सकते हैं। देख सकते हैं ये सोल्डिंग हो चुका है। अब ये दूसरे वायर को भी इसी में सोल्डिंग कर देंगे। ये जो दो मेरा वायर है अब ये दूसरे LED में जाकर यहाँ लग जाएगा। देख सकते हैं, और दूसरे को भी इस तरह से सोल्डिंग कर देना है, इस तरह से सोल्डिंग कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा ये जो है सोल्डिंग हो चुका है। अब ये दूसरे का भी कनेक्शन कर लेते हैं।
और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज में एलईडी का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, तो आप कोई भी वायर एलईडी में कहीं भी लगा सकते हैं। तो हमारे जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इस तरह से इसे सोल्डिंग कर देना है और इसको सेलो टेप से इसको चिपका देना है, इस तरह से पूरे वायर को अच्छा से इसमें चिपका देना होगा। इस वायर को भी इस तरह चिपका देना। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा है ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है, मैंने सेलो टेप से इसे चिपका दिया अच्छा से। ये तार जो है उठा हुआ नहीं रहना चाहिए, पूरा चिपका हुआ रहना चाहिए, इससे प्लेट से जो फाइबर प्लेट है उसमें चिपका हुआ रहना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये रेडी कर लिया है। अब इसमें हैंडल जोड़ेंगे घुमाने वाला। आप देख सकते हैं इस तरह का बोतल से मैंने इसे कट कर लिया है छोटा सा, तो इसको इसका यहाँ चिपका देंगे इस तरह से फेविक्विक की मदद से इसको चिपका लेना है। तो चलिए चिपका लेते हैं। इस तरह से इसे चिपका लेना है। आप देख सकते हैं इसको मैंने इसे 3 से 4 mm का गैप में इस कॉइल का जो इसका बीच वाला जो गैप है, ये जो मैग्नेट और इस कॉइल का जो गैप है इसका बीच का गैप 3 से 4 mm का गैप में रखना है इसको। इस मैग्नेट में टच नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से रख देना है। अब ये जो है मेरा रेडी हो चुका है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं ये जो मेरा रिले जनरेटर जो छोटा सा रेडी हो चुका है। तो अब इसको चला के देखते हैं मेरा यह काम करता है कि। मिनी जनरेटर है ये, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। देखिए इसमें कोई बैटरी नहीं लगा है, नहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ मैकेनिकल मोशन से इलेक्ट्रिकल मोशन में बदल रहा है और हमें लाइट जल रहा है पूरा अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स मैंने आपने देखा ये मिनी जनरेटर मैंने बनाया है ये पुराने रिले से। तो आपने देखा ये किस तरह से काम करता है, मैं बताता हूँ। इसमें जो ये कॉपर कॉयल है इसमें इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में रहता है, तो जब हम इसको इस मैग्नेट पर रख कर इस तरह से घुमाते हैं तो इसमें का जो इलेक्ट्रॉन ये फ्लो होने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है तो एलईडी में पावर आता है, तो मेरा एलईडी जो जल जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है ये मेरा मिनी जनरेटर, देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।